नमस्कार दोस्तों, मैं तुनीर आप सभी का स्वागत करता हूँ विजनरी स्टूडियोज के इस यूट्यूब चैनल पे और मेरे आईजीटीवी हैंडल पे। साथ ही साथ मैं अपना वीडियो फेसबुक पेज पे भी शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है तुनीर विजनरी। यू कैन फॉलो मी देयर। और इस वीडियो की सीरीज को आप फेसबुक पे देखना चाहते हो या शेयर करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगा। ये जो सीरीज है जिसका नाम है विवेकानंदा वे, इस सीरीज में आज तीसरे एपिसोड में हम आपके लिए लेटर्स लेके आए हैं स्वामी जी के लिखे हुए। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने दो कुछ ऐसे पत्र लिखे थे हमारे भारत के युवाओं के लिए, उनके शिष्यगण के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए, जो बहुत सारे पत्र लिखे थे उसमें से कुछ दो पत्र मैंने चुने हैं आप सभी के सामने पढ़ के सुनाने के लिए। तो उस पत्र से हम कुछ आज सीख ले सकते हैं तो लेंगे और कोशिश करेंगे उस पत्र से जो उन्होंने सिखाने की या बताने की कोशिश की है, हमें समझाने की कोशिश की है, वो हम अपनी जिंदगी में उतार पाए। तो पहला पत्र उन्होंने लिखा था ओरिएंट होटल याकोहामा से 10 जुलाई 1893 में। उस पत्र में स्वामी जी लिखते हैं, प्रिय आला सिंगा बालाजी जी जी तथा मेरे मद्रासी मित्रगण, अपने कार्यकलाप की सूचना तुम लोगों को बराबर न देते रहने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यात्रा जीवन में बहुत व्यस्त रहता हूं और विशेषतः मुझे तो बहुत सा सामान साथ में लिए घूमने की आदत नहीं थी। इन सब वस्तुओं की देखभाल करते करते ही मेरी सारी शक्ति लग रही है। यह सचमुच एक बड़े झंझट का काम है। मैं बंबई से कोलंबो पहुंचा। हमारा स्टीमर दिन भर वहां ठहरा रहा। इस बीच मुझे शहरे देखने का अवसर मिला। वहां की और सब वस्तुओं में भगवान बुद्ध देव की निर्माण के समय की लेटी हुई मूर्ति आज तक मुझे याद आ रही है। दूसरा स्टेशन पेनांग था, जो मलय प्रायद्वीप के समुद्र किनारे बसा हुआ एक छोटा सा टापू है। किसी जमाने में यहां के लोग मशहूर समुद्री डाकू हुआ करते थे और व्यापारी इनके नाम से ही घबराते थे, किंतु आजकल जहाजी बेड़ों के महाभय से ये लोग डकैती छोड़कर शांतिपूर्ण धंधों में लगे हैं। जहाज के कप्तान ने हमें उन समुद्री डाकुओं के बहुत से पुराने अड्डे दिखाए। हांगकांग में चीनी लोग इतनी अधिक संख्या में मौजूद है कि यह ब्रह्म मौज हो जाता है कि हम चीन में ही कोई आ न गए। जो ही यह जहाज लंगर डालता है कि सैकड़ों की संख्या में चीनी डोंगियों आपको तट पर लेके जाने के लिए घेर लेती है। पवतारों का संचालन प्रायः स्त्री ही करती है और उनमें से 90% स्त्रियों के पीछे उनके बच्चे बंधे रहते हैं। मजे की बात यह है कि ये नन्हे नन्हे चीनी बच्चे अपनी माताओं के पीठ पर आराम से झूलते रहते हैं। हर समय इन चीनी बाल गोपालों के शिखायुक्त मस्तकों को चूर चूर हो जाने का डर रहता है, पर इन्हें इसकी क्या परवाह, वो तो अपनी चावल की रोटी कुतर कुतर के खाने में मस्त रहते हैं। चीनी बच्चों को पूरा दार्शनिक ही समझिए। जिस उम्र में भारतीय बच्चे घुटने के बल पे भी नहीं चल पाते, उस उम्र में वो स्थिर भाव से चुपचाप काम पर जा रहे हैं। अभाव का महत्व वो अच्छी तरह ही समझ और सीख लेते हैं। कैंटन से मैं फिर हांगकांग लौटा और वहां से जापान पहुंचा। पहला बंदरगाह नागासाकी था। चीनियों और इनमें कितना अंतर है। सफाई में जापानी लोग किसी भी लोगों से दुनिया में कम नहीं। जापानी लोग ठिगने और विचित्र वेशभूषा वाले हैं। उनकी चाल ढाल, हाव भाव, रंग ढंग सभी सुंदर है। जापान एक सौंदर्य भूमि है। जापानियों के विषय में जो कुछ मेरे मन में है वो सब कुछ इस छोटे पत्र में लिखने में मैं असमर्थ हूं। मेरी केवल यही इच्छा है कि प्रतिवर्ष यथेष्ट संख्या में हमारे नवयुवकों को यहां पे आना चाहिए। और तुम लोग वहां पे क्या कर रहे हो? जीवन भर केवल बेकार बातें किया करते हो। आओ,
इन लोगों की ओर देखो और उसके बाद जाकर लज्जा से कहीं मुंह छुपा लो। सठियाई बुद्धि वालों, तुम्हारे तो देश के बाहर निकलते ही जाति चली जाएगी। अपनी खोपड़ी में वर्षों के अंधविश्वास का कूड़ा करकट भरे बैठे हो तुम। भला बताओ तो सही, तुम हो कौन और तुम इस समय कर ही क्या रहे हो? अरे मूर्खो, किताब हाथ में लिए समुद्र किनारे फिर रहे हो? 30 रुपए की मुंशीगिरी के लिए अथवा हुआ तो एक वकील बनने के लिए तड़प रहे हो? यही तो भारतवर्ष के नवयुवकों की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। 30 पर इन विद्यार्थियों के भी झुंड के झुंड पैदा हो जाते हैं, जो भूख से तड़पते हुए उन्हें घेर कर बाबूजी खाने दो, खाने को दो कहकर चिल्लाते रहते। आओ मनुष्य बनो, अपने अंधकूप से बाहर निकलो, देखो अन्य देश की तरह आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो। अत्यंत निकट और प्रिय संबंधी रोते हैं तो रोने दो। वो मराठी में कहते हैं कि आप्त जन रड़तिल तो रड़ू दे, केवल आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हारी इस निश्चेष्ट सभ्यता को तोड़ने के लिए अंग्रेजी राज्य को भारत भेजा है। धीरता और दृढ़ता के साथ चुपचाप काम करना होगा, कर्म कर्मना होगा। सर्वदा याद रखना, सिर्फ नाम और यश कमाना अपना उद्देश्य नहीं है। कर्म करते रहो, निष्काम कर्म करते रहो। तुम्हारा विवेकानंद। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि विवेकानंद जी ने इस पत्र में स्पष्ट किया है बहुत सारी चीजें, कि जापान के बारे में वो क्या कह रहे हैं। जापान की सेल्फ डिसिप्लिन से वो बहुत ज्यादा प्रेरित है, बहुत ज्यादा खुश है, या फिर बहुत ज्यादा उत्साहित हुए। उनको कहना है कि हम सभी लोगों को उनसे सीखना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारे आज के युवक क्या कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने एक दूसरा पत्र लिखा जो न्यूयॉर्क से लिखा था। उस पत्र में उन्होंने बहुत से उत्साह देने की या उत्साह से हमारे आत्माओं को, हमारे मन को भरने की कोशिश की। वो जो दूसरा पत्र है उसमें स्वामी जी क्या कहते हैं, क्या मार्गदर्शन करने कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए हमारे देश के युवाओं को, वो उस पत्र में उन्होंने कहा है। वो मैं पत्र आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये पत्र जो है स्वामी जी ने 19 नवंबर 1894 को न्यूयॉर्क से भारत के श्रीयुत आला सिंगा पेरुमल आदि भक्तों को लिखा था। ये पत्र उनकी भावनाओं और मान्यताओं और जीवन दर्शन को स्पष्ट करने का एक प्रमाण है। वो कहते हैं, हे वीर हृदय युवकों, ये बड़े संतोष की बात है, अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति की ओर चलता रहा है। इसमें हम सफलता पाएंगे और किसी बात की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की, अकपटता और धैर्य की। इहलोक और परलोक में ये ही सत्य है। यदि कोई कह दे कि देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहा, तो भी उसे मानना पड़ेगा कि स्वार्थपरता ही यथार्थ मृत्यु है। परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना मृत्यु है। ए बच्चों, सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो, सबके लिए तुम्हारे हृदय में संवेदना भरी होनी चाहिए। यदि कुछ भी संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष प्रकट कर दो। तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा। गत 10 वर्षों में अपना मूल मंत्र घोषित करता आया हूं कि कर्म करते रहो, और अब भी मैं कहता हूं कि अकिंचन कर्म करते रहो। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब भी मैं प्रयास और कर्म करने कहता था। अब तो कुछ प्रकाश नजर आ रहा है, अतः अब भी मैं यही कहूंगा कि कर्म और प्रयास करते रहो। वत्स, अनंत नक्षत्र रचित आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से मत देखो।
वो हमें कुचल डालेगा, धीरज धरो। फिर तुम देखोगे कि कई घंटों में वो सब तुम्हारे पैरों तले आएगा। धीरज धरो, न धन से काम होता है न ही यश काम आता है, प्रेम ही सब कुछ है। चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारों को तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। अब हमारे सामने ये समस्या है, स्वाधीनता बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव है। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक चिंता में हमें स्वाधीनता दी थी और उसी से हमें आश्चर्यजनक बल मिला, पर उन्होंने समाज के पैर बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिए और उसके फलस्वरूप हमारा आज का समाज। थोड़े शब्दों में अगर यदि मैं इसको स्पष्ट करना चाहूं तो भयंकर पैशाचिक हो गया है, यानी इविल हो गए हैं हम लोग। दूसरों को हानि न पहुंचाते हुए मनुष्य को विचार और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उसे खान पान, पोशाक, पहनावा, विवाह, हर बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए। भारत को उठना होगा, शिक्षा का स्तर विस्तार करना होगा, स्वहित की बुराइयों को ऐसा धक्का देना होगा कि वो टकराती हुई अटलांटिक महासागर में जा गिरे। याद रखो, चाहे वो ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, किसी की भी बुराइयों को क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। अत्याचारों का नामो निशान ना रहे, सभी को अन्न अधिक सुलभ हो, किंतु ये व्यवस्था हमें धीरे धीरे लानी होगी। अपने धर्म पर अधिक जोर देना होगा और समाज को स्वाधीनता देकर ये काम करना होगा। प्राचीन धर्म से जो दूसरी पीढ़ियों ने पौरोहित्य की बुराई बांध दी है उसको हटा दो, तभी तुम्हें संसार का सबसे अच्छा धर्म मिल जाएगा। भारत का धर्म लेकर एक यूरोपीय समाज गढ़ सकते हो तुम। मुझे विश्वास है यह संभव है और एक दिन ऐसा जरूर होगा। एक ऐसे उपनिवेश की स्थापना करो जहां सद्विचार वाले लोग रहे, फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचारों को फैला दें। उसके लिए धन की आवश्यकता सही है, पर धन आ ही जाएगा, विश्वास रखो। इस बीच में एक मुख्य केंद्र बनाओ, उस मुख्य केंद्र की भारत भर में शाखाएं खोलते जाओ। कभी भी किसी मूर्खता प्रसूत कुसंस्कारों को सहारा न देना। श्री राम ने सबको समान समझकर मुक्ति में सबका समान अधिकार घोषित किया है, वैसी ही समाज को पुनः गठित करने की कोशिश करो। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैला दो। नेतृत्व करते समय सबके दास बनो, निस्वार्थ रहो, कभी भी एक मित्र के पीछे निंदा करते न सुनो। धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। काम करो, काम करो, औरों के हित के लिए काम करना ही जीवन का लक्षण है। हां, एक बात पर सतर्क रहना, दूसरों पर अपना रौब जमाने की कोशिश ना करना। दूसरों की भलाई में काम करना ही जीवन है। मैं चाहता हूं हम में किसी प्रकार की कपटता, कोई दुरंगी चाल न रहे, कोई दुष्टता ना रहे। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूं, सत्य पर निर्भर रहा हूं कि जो दिन के प्रकाश की तरह उज्जवल है, मरते समय भी विवेक बुद्धि पर यह धब्बा न रहे कि मैंने नाम या यश पाने के लिए यह कार्य किया। दुराचार की गंध या बदनीयत का नाम भी न रहने पाए। किसी प्रकार का टाल मटोल या छुपे और बदमाशी या गुप्त, ऐसे शब्द हम में न रहे। साहसी बच्चों, आगे बढ़ो। चाहे धन आए या ना आए, आदमी मिले या ना मिले, तुम्हारे पास प्रेम है, याद रखो, उस प्रेम को फैलाओ। क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है? फिर बस आगे बढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सतर्क रहो, जो कुछ असत्य है उसे पास न फटकने दो। सत्य पर दृढ़ रहो,
तभी हम सफल होंगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे पर सफल होंगे। इस तरह काम करते जाओ कि मानो मैं कभी था ही नहीं। इस तरह काम करो कि तुम पर ही सारा काम निर्भर है। भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही है। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते रहो, कर्म करते रहो। तुम लोगों को मेरा आशीर्वाद है। इति विवेकानंद। मित्रों, इस पर अनीता शर्मा जी लिखती है कि ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि इस आज के परिवेश में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा संदेश ये जो लिखे गए हैं आज भी जन जन तक पहुंचाना इसको आवश्यक है। इंसानियत, सद्भावना की अलख हर दिल में जगाना। आज अरबों की आबादी वाले भारत में भले ही स्वामी जी को मानने वाले कुछ ही हजार है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि अकेला सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है। एक एक बूंद से ही सागर बन जाता है। उठो, उत्थिष्ट जागृत, उठो, जागो और आगे बढ़ो और चलते रहो तब तक जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो दोस्तों, इस दोनों पत्रों से हमें बहुत कुछ सीखने मिला है, समझने मिला है स्वामी जी के बारे में। और उन्होंने जो हमारे देश के लिए संदेश या देश के युवाओं को कहा है, मैं ज़्यादा कुछ इन पत्रों का विश्लेषण नहीं करना चाहता क्योंकि ये पत्र अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा विश्लेषण करते हैं उनके विचारों को। धन्यवाद आप ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वीडियो को शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को आप जागृत कर सको, अपने भारत के निर्माण के लिए आप एक कदम आगे बढ़ा सको। इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि हम इन विचारों के साथ अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाएंगे और अपने साथ साथ अपने मित्रों का जीवन भी परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। वंदे मातरम।